बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट। तो ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी है और कांस्टेंट भी, कि जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है, अगर वो इक्वल हो जाए उसके वेट के, तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। तो हम एक फ्लूइड लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि एक फॉग ड्रॉपलेट है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो फॉग ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल शेप का है, हमने कंसीडर कर लिया एक स्फेरिकल शेप का फॉग ड्रॉपलेट है, वो मूव कर रहा है नीचे की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो जमीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो एक तो फोर्स उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, वो जो इक्वल है एफ इज इक्वल टू एम जी के इक्वल। अब फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, तो अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी, और वो फोर्स कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम फ्लूइड के अंदर ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अब वो ड्रैग फोर्स एफ डी इज इक्वल टू 6 pi eta r v की इक्वल होगी। अब ये फोर्स का वैलिड हुई क्यों? क्योंकि हमने कहा कि स्फेरिकल शेप का फ्लूइड ड्रॉपलेट है, फोग ड्रॉपलेट, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑर्डिनरी स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, तो ड्रैग फोर्स हम ये वाली पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर क्या हो गया? FD is equal to 6 pi eta। अब क्योंकि एक ही फ्लूइड था वो जो मूव कर रहा है नीचे, फोग ड्रॉपलेट है, तो ईटा भी कांस्टेंट हो गई, आर भी कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे हमें पता चल गया कि FD आप इस केस के अंदर वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब जैसे जैसे फॉग ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, तो उसकी ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। अब क्या हो गया कि उसका वेट जितना है उतना ही है, नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जब स्पीड बढ़ती जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ते 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 इतनी हो जाएगी जितना कि उसका वेट है। तो जब ड्रैग फोर्स उसके वेट की इक्वल आ जाएगी, तो अब ड्रैग फोर्स अपवर्ड है जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो जो नेट फोर्स है, इससे कुछ अर्सा पहले तक जब ड्रैग फोर्स इक्वल नहीं है किसके वेट के, तो अब क्योंकि आपका जो फॉग ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो एम फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस ड्रैग फोर्स के इक्वल होगी, और वो हमने लिख लिया एम जी माइनस 6 pi eta r v। अब स्पीड बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते उसकी जो मैग्नीट्यूड है ड्रैग फोर्स का, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है, तो क्या होता है कि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से फिर उसके जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? जीरो। जैसी नेट फोर्स जीरो होगी, तो अब जब नेट फोर्स जीरो होगी तो तब जो वेलोसिटी होगी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब जब नेट फोर्स किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, उसके बाद वो ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। अब आपको पता है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर एक बॉडी मूव करती है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, तब उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन पैदा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। अब क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो अब जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुई, उसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट,
और उसकी वेलोसिटी को हमने साथ v के साथ t लगा दिया, मीन या वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी नहीं थी बल्कि अब टर्मिनल वेलोसिटी बन गई। तो नेट फोर्स जीरो हुआ, तो इससे हमें जीरो किया, एम जी को इधर लेके आए, बी टी की वैल्यू जो हमने निकाली तो वो किसकी इक्वल हो गई, एम जी इज इक्वल टू सिक्स, वी टी इज इक्वल टू एम जी और ओवर सिक्स पाई ईटा आर वी। तो किया क्या हमने कि हम सिक्स पाई ईटा आर वी को इधर लेके आए और इक्वल टू एम जी हो गया। अब क्योंकि हमने बी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो एम जी और ये जाके डिवाइड हो गया, तो एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर वी। अब जी की वैल्यू हमें पता है, आर हम डिफरेंट टेक्निक से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर मिलिकन आयरग्राफ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने आर की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, इसी तरीके से ईटा एक फ्लूइड के लिए कॉन्स्टेंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ये भी कॉन्स्टेंट है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है मैस, तो मैस कैसे निकालते हैं। अब मैस का अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं आया कि जिसके अंदर हम एक फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है तो उसका मैस निकालें। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम जो है वो फ्लूइड है, फ्लूइड की हमें डेंसिटी पता होती है, तो हम मैस को निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो इधर क्या हो गया कि डेंसिटी इक्वल टू, हमें पता है कि डेंसिटी जो इक्वल होती है वो मैस ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है, और इधर से हमारा मैस निकला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमें ये पता है कि हमने ड्रैग फोर्स का ये फार्मूला लगाया तो हमने कंसीडर कर लिया क्या कि आपका जो फॉग ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप का है, तो यहां पे फिर एरिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लगाया। अब यहां पे देखें डेंसिटी हमें पता है, ये कांस्टेंट है, आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इधर से हमें मैस मिल जाएगा। मैस की वैल्यू जब हम उधर पुट करते हैं तो हमने क्या किया कि मैस की वैल्यू प्रीवियस रिलेशन के अंदर पुट की, तो मैस की जगह हमने रो इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब लिखा इनटू जी। तो अब अगर इधर से देखें तो ये 2 2s आर 4 2 3s आर 6, तो और पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, आर आर क्यूब से एक एक आर कैंसिल हो गया, तो इधर से हमें क्या मिला। अब अगर इसको देखा जाए तो रो मिल गया 2, ये 3 था, 3 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो 3 इंटू 3 आ गया, और आर स्क्वायर और 7 आ गया जी। तो अब अगर और नीचे ईटा, तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 3 3 9 और ईटा आ गया, तो ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी को देखें तो 2 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि वी डी आ गया कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर। इधर से हमें पता चला कि VD जो है टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के ऊपर, तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब अक्सर औकात ये एमसीक्यूज इसी लाइन के अंदर से एक एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर हम रेडियस ऑफ द फ्लूइड जो है वो हम डबल कर दें तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब यहां पे हमें पता है कि अगर रेडियस को डबल करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलोसिटी के। सो इफ द रेडियस ऑफ अ फ्लूइड बिकम्स 3 टाइम देन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 9 टाइम, क्योंकि आर स्क्वायर के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी में बढ़ना है।